दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत ये वर्ल्ड कप 2023 की खिताब जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप मुकाबला 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऐसे में रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दिया है। इस मैच के दौरान सुमन गिल शायद पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसे एक खतरनाक बीमारी हो गया है। ऐसे में सुमन गिल की जगह किसे ओपनिंग का जिम्मा दिया जाएगा आपको बताने जा रहे हैं। और रोहित शर्मा द्वारा चुने गए इस पूरी 11 खिलाड़ियों की लिस्ट भी आपको दिखाने जा रहे हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और यह मुकाबला कहाँ पर खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा और आप इसे कहाँ पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन है बेहतर टीम, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबला का संखनात हो चुका है, जिसमें से पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट से इंग्लैंड को हराया था, तो वही दूसरा मुकाबला नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें से पाकिस्तान की टीम ने 81 रन के सबसे बड़े अंतर से नीदरलैंड को हराया था। और ऐसे में ये दोनों टीमें अभी फिलहाल पॉइंट टेबल में टॉप पर है। वही दोस्तों देखा जाए तो साल 2023 इंडिया के लिए बहुत ही शानदार तरीके से गुजर रहा है। ना सिर्फ एशिया कप 2023 की खिताब जीता है बल्कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर वाईसीसी की तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 रैंक हासिल कर लिए हैं। और वहीं देखा जाए तो टीम इंडिया के लिस्ट वर्ल्ड कप मुकाबले में 3 बड़ी ऐसी टीमें हैं जो भारत को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है और इंग्लैंड की टीम है। ऐसे में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में अच्छे और बढ़िया फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों का चयन करेगा। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज में डेविड वार्नर और मिचेल मार्श को शामिल किया गया है और मिडिल ऑर्डर में स्मिथ, ट्रेविस हेड और जॉस इंग्लिस को इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और इसी के साथ ऑलराउंडर के तौर पर मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन को शामिल किया गया है और बॉलर के रूप में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड और जंपा को शामिल किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 टीम इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्लेइंग 11 के निपटने के लिए रोहित शर्मा भी अपने खास प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी, जिसमें से रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन को शामिल किया गया क्योंकि सुमन गिल वो एक खतरनाक डेंगू बीमारी का शिकार हो गया है। यदि वो रिकवर हो पाते हैं तो इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, यदि वो रिकवर नहीं हो पाते तो ईशान किशन को उसकी जिम्मा लेना पड़ेगा। और वही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, श्रेयस और केएल राहुल को शामिल किया गया जो कि एक अच्छे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कहे जाते हैं। और ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्र अश्विन और पांड्या को शामिल किया गया। वहीं दोस्तों देखा जाए तो रविचंद्र अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज के लिया है, जिसमें से 144 रन का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर खिलाड़ी भी बन चुके हैं। ऐसे में रविचंद्र अश्विन को इस प्लेइंग 11 में शामिल करना बिल्कुल सही है। और वहीं बॉलर के तौर पर कुलदीप यादव, सिराज और बुमराह को शामिल किया गया है और यह मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि 1:30 बजे से हॉटस्टार पर लाइव प्रसारण किया जाएगा 8 अक्टूबर से। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहला वर्ल्ड कप मुकाबला कौन जीतेगा, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।